महिला के लिव इन रिलेशनशिप से पड़ोसियों को एतराज। महिला ने एसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत। दबंग पड़ोसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिवपुरी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ौदी गांव के निवासी एक महिला ने मंगलवार को दबंग पड़ोसियों से परेशान होकर इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराते हुए पुलिस से पड़ोसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार बड़ौदी गांव की रहने वाली एक महिला ने बताया कि 1.5 साल पहले उसके पति के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने गांव के एक युवक के साथ पति पत्नी की तरह रहकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया है। युवक के साथ मेरे इस रिश्ते से मेरे परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन युवक के साथ मेरे इस संबंध से गाँव के ही पड़ोसी गोविंद विजय सिंह मोहन सिंह राजा आपत्ति कर रहे हैं। वह कहते हैं तू इसके साथ नहीं रहेगी, यदि रहेगी तो हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, फिर भी रहेगी तो तुझे व तेरे रखे हुए आदमी को जान से खत्म कर देंगे। महिला ने बताया कि दबंग पड़ोसियों की डर की वजह से वह उसका पति 4 माह से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा और दबंग पड़ोसियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। नाम है आपका? कौन सी जगह से आई हो आप? अरे क्या मामला है यहाँ, शिकायत लेके आई हो आप? हमें 4 महीने से घर पे नहीं रहने दे रहे, मेरे पति को घर नहीं आने दे रहे, मानने की धमकी दे रहे। कौन कौन नहीं आने दे रहे आपके पति को घर पे? गोविंद सिंह, विजय सिंह। कौन है आपके? ये लोग कौन है? ये लोग ये पड़ोसी है हमारे। अच्छा, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने थाने वगैरह पे नहीं की? मैंने सिटी कोतवाली में की थी, इसकी शिकायत कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले यहाँ से ले गए थे, उनके सामने वो गाली गलौज करते हैं, मारपीट कर रहे। क्यों परेशान कर रहे हैं आपको, कारण क्या है? कारण ये है कि मेरे पति खत्म हो गए थे और ये लोग मुझे उनके भाई उनके साथ रहने नहीं दे रहे। तो आपने दूसरी शादी की थी? अभी वाले कहाँ है अभी? कोई वो अभी नहीं है यहाँ पर, वो तो बाहर है। तो आपने दूसरी शादी किससे की थी? उनके भाई से, पति के भाई से। तो वो उनको क्या आपत्ति है इसमें कि आप उनके साथ रह रही हैं? तो हमारे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है, समाज वालों को कोई आपत्ति नहीं है, परिवार के इनको कोई आपत्ति नहीं है, इनको क्यों आपत्ति हो रही है? जो पड़ोसियों को आपत्ति है। हाँ। तो पति कैसे खत्म हुए थे, कितने साल हो गए? एक्सीडेंट हुआ था। कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गए। अच्छा, बच्ची वगैरह? बच्ची जो थी पहले पति से। अच्छा, अब आप क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे घर रहने दिया जाए, मेरे पति को घर आने दिया जाए।